सर सभी का स्वागत है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय युवा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग के लिए बुलाई गई है। मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक फरवरी में हमारे नामांकन होंगे। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया के समाप्ति पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान की तिथि 5 मार्च से 4 अप्रैल रखी गई है। मेंबरशिप की कट ऑफ डेट 14 फरवरी 1987 से 12 फरवरी 2005 के बीच रखी गई है। प्रत्येक बनने वाले सदस्य को ₹50 फीस अदा करनी होगी। मेंबरशिप वोटर आईडी कार्ड से होगी और कोई आईडी इसमें काम नहीं आएगी। 3 स्तर पर यह चुनाव होगा, विधानसभा स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर। प्रदेश के 2 बैलेट रहेंगे, एक प्रदेश अध्यक्ष का और एक प्रदेश महासचिव का। सभी कमेटियों के लिए, सभी के साथ और सभी का आदर रखने के लिए हमने 25-25 लोगों की कमेटियों का गठन रखा है। विधानसभा स्तर पर 25 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें प्रेसिडेंट ओपन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट ओपन रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट एससी का रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट एसटी का रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी का रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट वोमेन रहेंगे और 22 प्रेसिडेंट माइनॉरिटी रहेगा। 7 जीएस ओपन हैं, एक जनरल सेक्रेटरी एसटी का, एक जनरल सेक्रेटरी ओबीसी का, एक जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी का, 5 जनरल सेक्रेटरी वोमेन, एक जनरल सेक्रेटरी एससी एसटी वोमेन और एक जनरल सेक्रेटरी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट रहेगा। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कमेटी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओपन रहेगा और उसी अनुरूप सभी कैटेगरियों में 22 प्रेसिडेंट रखे जाएंगे। 7 जनरल सेक्रेटरी ओपन रहेंगे। विधानसभा कमेटी की तर्ज पर ही जिला कमेटी में भी सभी के जनरल सेक्रेटरी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वोमेन और एससी एसटी वोमेन एंड फिजिकली हैंडीक्राफ्ट को जगह दी गई है। स्टेट प्रेसिडेंट के लिए 9 लोगों का कमेटी में रखा जाएगा। प्रेसिडेंट ओपन है, 22 प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के हिसाब से कश्मीर के लिए वो रिजर्व रखा गया है। 22 प्रेसिडेंट एक और ओपन है, 22 प्रेसिडेंट एक और ओपन है, 22 प्रेसिडेंट एससी, 22 प्रेसिडेंट एसटी, 22 प्रेसिडेंट ओबीसी, 22 प्रेसिडेंट माइनॉरिटी और 22 प्रेसिडेंट वोमेन की तर्ज पर। इसी प्रकार स्टेट जनरल सेक्रेटरी में 64 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें 14 जनरल सेक्रेटरी ओपन हैं, 5 जनरल सेक्रेटरी कश्मीर के लिए रिजर्व हैं, 3 जनरल सेक्रेटरी एससी के लिए, 1 जनरल सेक्रेटरी एससी कश्मीर से है, 3 जनरल सेक्रेटरी एसटी, 1 जनरल सेक्रेटरी एसटी का कश्मीर से है, 5 जनरल सेक्रेटरी ओबीसी, 5 जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी, 2 जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी कश्मीर से हैं, 12 जनरल सेक्रेटरी वोमेन, 6 जनरल सेक्रेटरी वोमेन कश्मीर से, 2 जनरल सेक्रेटरी एसटी वोमेन, 1 जनरल सेक्रेटरी वोमेन, 1 जनरल सेक्रेटरी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, 1 फिजिकली हैंडीक्राफ्ट कश्मीर से, 1 जनरल सेक्रेटरी ट्रांसजेंडर, उनके लिए भी हमने इसमें जगह दी गई है। विधानसभा कमेटी के लिए नॉमिनेशन की फीस ₹500 है और सब्सिडी फीस ₹250 है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए ₹3,000 है और सब्सिडी ₹1,500 है। स्टेट कमेटी के लिए ₹7,500 की फीस अदा है और सब्सिडी ₹4,000 रखी गई है। यदि कोई BPL और SC/ST वोमेन है तो उनको फीस में रियायत बरती जाएगी। इसी प्रकार प्लान को इंप्लीमेंट करने का क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या है इसके? भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये कब से कब चलेगा, ये इसमें डेट भी मुकर्रर होगी, किस डेट से किस डेट तक? हाँ, डेट मुकर्रर है, 5 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान ही मतदान है। क्या ये हर साल इसी टाइम पीरियड के अंदर किया जाता है? पूरे हिंदुस्तान भर में 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, किन्हीं कारणों बस अगर ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद में ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। किस जगह पर जाएंगे, किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे? वेद IYC ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद खुद को उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद वह उसी ऐप में मेंबरशिप और नॉमिनेशन कर सकेगा।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। 18 से 35 वर्ष तक का कोई भी युवा पुरुष महिला इसमें भागीदार बन सकते हैं।